विदेशी बाजारों में उठापटक के चलते पाम और सोया तेल में खरीदारी कमजोर देखने को मिल रही है, जिससे सोया तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सोया तेल इंदौर में 10 रुपए टूटकर 1225 से 1230 रुपए, तो पाम तेल 900 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। दरअसल अमेरिका में बायोडीजल में सोया तेल का उपयोग घटने की आशंका से सीबोट वायदा में बिकवाली देखने को मिली है, जिससे चारों तरफ मंदी का माहौल बनता दिखाई दिया है। दरअसल इस महीने सपोर्ट में दिसंबर वायदा में 1000 पॉइंट से ज्यादा की मंदी आ चुकी है। आपको बता दें कि बाजार इस साल के निचले स्तर पर फिलहाल पिछले हफ्ते बंद होते दिखाई दिए थे। दरअसल अमेरिका से जनवरी से अक्टूबर तक बायोडीजल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 5,67,000 टन से केवल 90,000 टन ही ज्यादा है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट पिछले साल से दोगुना होकर 65,989 टन हुआ है, मगर इम्पोर्ट तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। दूसरी ओर अर्जेंटीना में भी अभी भी किसानों के पास 110 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक है। अर्जेंटीना में सोया फसल को सूखे मौसम का खतरा बढ़ गया है। अभी तक 37% एरिया में ही बोनी की गई है, जो कि पिछले साल 57% थी। अगर मौसम जल्द ठीक नहीं हुआ तो बोनी का नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि आगे अभी फिलहाल खाद्य तेलों में गिरावट बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।